हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आजकल फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो भी फल और सब्जी खरीद रहे हैं उसे अच्छी तरह से धो लीजिए। खुद को बीमार होने से बचाने के लिए हमेशा उपयोग करने से पहले इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है। गर्म तापमान आसानी से आपके भोजन को दूषित कर सकता है और फूड पॉइजनिंग के कारण इसे जहरीला बना सकता है, तो कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ें ठंडी जगह पर ही रखें। आपको बता दें कि बचे हुए खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, भले ही वह फ्रिज में हो या फिर कहीं और रखा हो, इसलिए हमेशा ताज़ा बनाकर ही खाएं। पका हुआ भोजन हमेशा सुरक्षित होता है, इसमें बैक्टीरिया आसानी से मर जाते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए आप खाना अच्छी तरह से पकाएं, खासकर चिकन अंडा जैसे मांसाहारी आहार अच्छी तरह से पके हुए हो। ताज़ा पका हुआ भोजन 2 घंटे से अधिक समय तक ना रखें, इसका सेवन करें और सही तापमान पर इसे अच्छी तरह से स्टोर करें। मांस, मछली, अंडे और सब्जियां सहित कच्चे भोजन को छूने से पहले साबुन और पानी के साथ अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं और फिर आप इसे पकाएं। इसके अलावा कच्चे भोजन जैसे मांस और मछली तैयार करने के लिए एक अलग चॉपिंग बोर्ड का आप प्रयोग करें। शौचालय से आने के बाद या फिर अपनी नाक साफ करने और जानवरों को छूने के बाद साबुन और पानी के साथ अच्छी तरह से आप अपने हाथ धोएं। नियमित रूप से डिश क्लॉथ और चाय की तौलिए को धोएं और उन्हें दोबारा उपयोग करने से पहले सुखा लें। गंदे और नम कपड़ों में जीवाणु पनपने के लिए यह एकदम सही जगह होती है, इसलिए हो सके तो सूखे कपड़े में और इन कपड़ों को हमेशा हर थोड़े टाइम बाद अच्छे से धोएं। पैक किए गए खाद्य पदार्थ को खरीदते समय एक्सपायरी डेट की जाँच करना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद को खरीदने से पहले इसकी गुणवत्ता जरूर जांच लें। अगर आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि उस रेस्टोरेंट में खाने पीने में साफ़ सफाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता हो। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि इससे आपके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। खासकर गर्मियों में बासी खाना खाने से बचें। खाना बच भी जाता है तो उसे फ्रिज में ज़्यादा दिनों तक रखकर ना खाएं। खाने से पहले स्मेल कर लें और कहीं उसमें से महक तो नहीं आ रही। कहीं भी कुछ भी खाने से बचें, खासकर बारिश के दिनों में, वरना इस लापरवाही के कारण आप फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता का शिकार हो सकते हैं। गर्मी और बारिश के मौसम में अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। तो दोस्तों, ये हमने आपको फूड पॉइजनिंग से जुड़े कुछ खास टिप्स बताए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।